हेलो गाइस, अभी आप लोग जो स्क्रीन पे स्टेटस वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को कुछ इसी तरीके से स्टेटस वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड, अगर आप लोग इस तरीके से स्टेटस वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए। यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर आप लोग जो है वार वाले जो इफ़ेक्ट हैं वो कैसे अपनी वीडियो में आप लोग ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पार्टिकल्स इफ़ेक्ट है वो आप लोग अपने स्टेटस वीडियो में कैसे ऐड कर सकते हैं, सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में आप लोगों को एडिट करना। तो दोस्तों, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं इस तरीके के स्टेटस वीडियो बनाना तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड, इस तरीके से आप लोगों को स्टेटस वीडियो बनाने के लिए या इस तरीके की एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन चाहिए होगी जिसका नाम है एवीवी प्लेयर, और इस एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा आप लोगों को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्ले स्टोर पर आएंगे और यहाँ पर आप लोग प्ले स्टोर पर आके आप लोग एवीवी प्लेयर सर्च करेंगे तो भी आप लोग को यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। तो नॉर्मली इस एप्लीकेशन को आप लोगों को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना होगा। तो फिलहाल से मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन आएंगे तो आप लोगों को जो नॉर्मली इसको अलाउ कर देना होगा। यहाँ पे अलाउ करने के बाद यहाँ पे कुछ टर्म और कंडीशन है वो पढ़ लीजिए। इसके बाद फिर से ओपन कीजिए इसको, और ओपन करने के बाद आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। इसके बाद आई एग्री पे आप लोग को क्लिक करना होगा। इसके बाद इसका इंटरफेस इस तरीके से आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोग जिस सॉन्ग पे स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं या इस तरीके से एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो सॉन्ग यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं ये वाला सॉन्ग ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला सॉन्ग ले लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर या तो मैं कोई अदर सॉन्ग ले लेता हूँ, यहाँ पर नीचे से लेता हूँ मैं कोई, यहाँ पर ये वाला सॉन्ग ले लेता हूँ मैं, कबीर सिंह का। और फिलहाल मैं इसको रोकता हूँ, यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ, ठीक है, और इसका साउंड मैं ऑफ कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को जो है मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ मोबाइल को। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थ्री लाइन मिल रही हैं, यहाँ पे आप लोग क्लिक करना होगा और विजुलाइजर पे आप लोग को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये इस तरीके से वार इफ़ेक्ट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर इस आइकन पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरीके की टेम्पलेट है, और ये देख सकते हैं इस तरीके की टेम्पलेट है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरीके की टेम्पलेट है, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे जो है स्टेटस वीडियो बनाते हैं, और NCS एक वहाँ पे जो है एक चैनल भी है तो उस पर भी इस तरीके के जो है यहाँ पे एडिटिंग करके जो है वीडियोस बनती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस तरीके से कैसे बनती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक टेम्पलेट की लिंक दे दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस टेम्पलेट को आप लोग को डाउनलोड कर लेना होगा। और नॉर्मली आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पर लोड फॉर्म फाइल पर आप लोगों को क्लिक करना होगा और वो फाइल आप लोगों के यहाँ पर जो है आ जाएगी। तो यहाँ पर डाउनलोड पर तो आप लोग को जो है ये फाइल देखने के लिए मिल जाएगी, विजुलाइजर 19, ये जो है इस यहाँ पर टेम्पलेट है। तो इसको आप लोग को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये टेम्पलेट आ जाएगी। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये टेम्पलेट इस तरीके से ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को फुटेज लगाना है, तो आप लोग फुटेज कैसे लगाएंगे, यहाँ पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और ये जो है ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे एक इमेज आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होगा और इस इमेज पर यहाँ पर आप लोग क्लिक करना होगा। कस्टम इमेज के ऊपर आप लोग क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद पिक इमेज पर आप लोग क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग जो थ्री लाइन पर क्लिक करना होगा, पिक्चर पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आप लोग जो भी फोटेज आप लोग लगाना चाहते हैं वो फोटेज यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं। मैंने इस फोटेज को एडिटिंग किया था और इस फोटेज को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग फोटेज को लगा सकते हैं, बस आप लोग को कुछ नहीं करना है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फ़ोटोज़ में कोई कलर वगैरह डालने या कुछ भी डालना है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी लाइट बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे साइड में आते हैं तो यहाँ पे कलर की का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप लोग कलर को इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कलर ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, तो एक ऊपर साइड में आप लोग को मिलेगा जनरल, जनरल पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप लोग इसकी स्केल वगैरह बढ़ा घटा सकते हैं और इसमें जो इफ़ेक्ट हैं वो भी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है।
तो फिलहाल मैंने जो है सारा कुछ यहाँ पे ऐड कर लिया। देख सकते हैं ये जो कलर है वो आप लोग इस तरीके से इन कलर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये कलर मुझे सही लग रहा है और एक कलर में यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग कलर को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आपको और सारे मैंने यहाँ पे एडिटिंग कर ली थी और बार्स वगैरह मैंने खुद ही ऐड कर लिए थे, ठीक है। और जैसे ही आप लोग को यहाँ पे एडिटिंग करनी है, इफेक्ट एडिट करने हैं, तो वो आप लोग कर लीजिए। और आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है कम्प्लीटली जो है इस तरीके का जो है वीडियो बन चुका है, ठीक है। और ये बार भी आ रहा है यहाँ पे, इस तरीके से आप लोग भी इस तरीके की स्टेटस वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग को जो है ये सॉन्ग आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो सॉन्ग है इस सॉन्ग की आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे इसको ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना और लाइब्रेरी पे क्लिक करना और यहाँ पे आप लोग को सॉन्ग मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग सॉन्ग को ले लेना, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विजुलाइजर पे क्लिक करूँगा और ये हमारी जो है ये जो स्टेटस वीडियो बन चुका है यहाँ पे इस तरीके का। अब आप लोग को करना क्या होगा, यहाँ पे अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे इस एरो वाले आइकन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो को गैलरी में सेव करना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या होगा, ऊपर साइड में आप लोगों को 1280 करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1280 करता हूँ मैं और नीचे साइड में करता हूँ 720। ठीक है, सात सौ बीस करने के बाद यहाँ पे आप लोग का जो वीडियो इस तरीके से रहेगा। और अब आप लोग को करना क्या होगा, यहाँ पे ये जो आ रहा है चूज़ परसेंटेज, यहाँ पे आप लोग को अपना जो है हाई क्वालिटी आप लोग को सिलेक्ट करना होगा, जितना आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1280 कर लिया, इसके बाद आप लोग को इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने पर लगा देना होगा और ये वीडियो हमारी जाके गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से अपनी इस तरीके की स्टेटस वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो जरूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोग को मिल जाए। और हाँ गाइस, अगर आप लोग को वीडियो में एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप लोग को जो भी पूछना है आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस नहीं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।